देश का मैनचेस्टर भले ही अहमदाबाद और लुधियाना जैसे शहरों को कहा जाता हो, लेकिन मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक अपना जाना पहचाना नाम है और गरीबी और नोटबंदी ने लुधियाना का बेड़ा गर्क कर दिया, नहीं तो मैनचेस्टर जैसा होता या यूं कहें मैनचेस्टर लुधियाना जैसा दिखता है। राहुल गांधी लुधियाना के समराला चौक पर कह रहे थे, आम लोगों के बीच News 24 है, माहौल क्या है जानने के लिए। सर, जिस तरीके की बातें हो रही है, क्या वाकई में लुधियाना का बेड़ा गर्क कर दिया GST और नोटबंदी ने, या सिर्फ ये राजनीतिक जुमलेबाजी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी जहाँ पे काम चल रहा है सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं। नोटबंदी की परेशानी ज़रूर आई है लोगों को, तो काम खत्म हो जाएंगे या खत्म हो चुके हैं ऐसी कोई बात नहीं है। लोग उभर गए हैं उसमें से, उससे तो बाहर आ चुके हैं। बना उसके लिए नोटबंदी या GST ऐसी उभर गए हैं, उससे बाहर निकल आए हैं, नोटबंदी से लोग बाहर निकल आए हैं। अब दोबारा फिर रोटेशन चल पड़ी है, बिजनेस की चल रहा है, बिजनेस चल रहा है लोगों का, बंद हुआ थोड़ी देर के लिए। लोगों ने तो सुना होगा, देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है पूरे पंजाब में। जो 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 मुद्दे उठाए जा रहे हैं वहाँ, बेरोजगारी के, महंगाई के, अग्निवीर का, किसानों का, नौजवानों का, और कहा जा रहा है कि इन मुद्दों पर सरकार फेल है, नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, क्या आप लोगों को ही लग रहा है 6 महीने पहले यहाँ बदलाव हुआ विधानसभा के चुनाव में? इस देश में वाकई में आप पंजाब में नफरत का माहौल है, नशा ज़्यादा है, या जो व्यापार है वो चौपट हो गया है? नहीं जी, आम आदमी के लिए ऐसा नहीं है। आम आदमी तो पहले जैसे जी रहा वैसे ही है, वो दिक्कत नहीं है। हैंड टू माउथ है, बेरोजगारी कोई इस गवर्नमेंट की या कह लो कांग्रेस की या BJP के टाइम की या ऐसा कुछ नहीं है, अकालियों के टाइम की कोई बेरोजगारी नहीं है। ये तो एक मुद्दा परमानेंट है, इसका सलूशन नहीं है ये। हम एक सरकार दूसरी सरकार के ऊपर आरोपण कर ले, मैं इसको नहीं मानता। रोजगार के मौके होने चाहिए, और कैसे करना ये सब चलता है। लुधियाना के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि अगर GST और नोटबंदी नहीं होता तो लुधियाना मैनचेस्टर जैसा होता। हमारे साथ लुधियाना के लोग हैं, आप लुधियाना से हो? जी सर। हाँ जी सर। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि मैनचेस्टर होता, वो GST और नोटबंदी ने लुधियाना को बर्बाद कर दिया, ठीक कह रहे हैं? जी बिल्कुल जी। कैसे जी? आप देख ही रहे हो, कारोबार खत्म हो गया है, और नोटबंदी से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, GST से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, और अपना क्या कहते हैं लॉकडाउन से भी बहुत फ़र्क पड़ा है, और लोग गरीब लोग अपना क्या कहते हैं गरीब क्या भैया, लुधियाना ही नहीं पूरे देश का कमर मोदी जी की जो ये नीति थी, और बगैर बताए बगैर जानकारी का मोदी जी क्या करते, जुम्मन में आता वही करते, नोटबंदी। लेकिन भाई साहब, पूरा दुनिया पूरा देश जानता है कि नोटबंदी हुआ और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी 2017 में, फिर कैसे नोटबंदी गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। आप लोग जो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नोटबंदी बिल्कुल जायज़ है? आप समझिए, नोटबंदी से और GST ने व्यापारी भाइयों की कमर तोड़ दी, और नोटबंदी ने पूरे देश की कमर तोड़ दी। लुधियाना में मैं खड़ा हूँ, लुधियाना में इंडस्ट्रीज घर घर हैं, बाहर के लोग आते हैं, निश्चित तौर पर जो मकान मालिक हैं उनका भी कारोबार चौपट हो गया, जो नाई की दुकान है उनका कारोबार चौपट हो गया। जब बाहर के ही लोग नहीं आएंगे, जब मैन्युफैक्चरिंग हब तबाह हो जाएगा, तो उससे जुड़े हुए तमाम चीज़, ये तो चैनल है ना भाई साहब, तो मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारा जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, मजदूर हैं, जो रिक्शा है, ठेला है, ट्रांसपोर्टर हैं, सब पर इफेक्ट पड़ा है, तो आप इसको नकार नहीं सकते। और दूसरी बात, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में तो रंजन गोगोई जैसे जो लोग भी थे जो गलत फैसला दिया था, ये भी आपको पता है कि पेगासस का कमाल। सुनिए सुनिए, आपने चुनाव की बात की, 20 लाख EVM गायब है, एक बात बताइए, कभी आप लोगों ने सवाल पूछा कि आसाम में जहाँ 70 वोटर रजिस्टर्ड था, वो 171 वोटर कैसे वोटिंग हो गया? मैंने पूछ रहा हूँ आपसे, भैया पत्रकार है सर, देखिए आप लोग जो चाहिएगा वही कीजिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, जहाँ 70 वोटर रजिस्टर्ड था वहाँ 171 वोट कैसे पड़ गया? और लेकर तो देखिए, चुनाव आयोग ने कहा क्या कि आप हमारा हैक कर दीजिए, हम खुला चुनाव आयोग से, एक बात बताइए, EVM कहाँ है, और सरकार के नाक के नीचे EVM कहाँ से चला गया? ये बताइए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी? अब ये तो देश की जनता तय कर देगी, राहुल गांधी जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जी ने, सुनिए, जरूर बनेंगे। आ जाओ, क्या कह रहे हो?
कहाँ से? गांधी जी के सपोर्ट में है, जरूर बनेंगे इस बारी। कहाँ से हो? हम पंजाब से ही, लुधियाना से ही। पंजाब का क्या माहौल है? पंजाब का माहौल आप देख ही रहे हैं, राहुल गांधी के साथ लगातार जुड़ रहे हैं लोग, हम भी बड़ी दूर से आके उनके साथ जुड़े हैं। आज सामने गाड़ी हमारी, तो हमारा मानना है भाई इस परी 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे, हम उनके सपोर्ट में हैं बिल्कुल। हाँ भैया, आप कहाँ से हो? लुधियाने से। लुधियाना से हो? नौकरी करते हो या यहाँ परमानेंट बस गए? नहीं, नौकरी करते हैं फिलहाल। तो कितना साल से हो? हम तो हैं 15-20 साल से। वोटर हो यहाँ के? हाँ हाँ, वोटर हैं। पिछली बार किसको वोट दिए थे? ईमानदारी से बोलना, इधर देख के मत बोलना। अरे जा यार, ये तो वोटर तो भैया हम कांग्रेस को ही दिए थे। कांग्रेस को ही दिए थे। तो फिर कांग्रेस जीती क्यों नहीं यार विधानसभा में? बैठा रहे, एक के वोट देने से थोड़ी कुछ होगा, पूरे समाज को देना पड़ेगा ना वोट। अब एक के देने से थोड़ी कोई जीत जाएगा। अरे पाजी एक मिनट रुको, आप सर यहीं से हैं? आप पंजाब से हैं? हाँ, मैं लोकल हूँ। लोकल है, लुधियाना से जी। क्या है लुधियाना का माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल का मतलब राजनीतिक माहौल क्या है? राजनीतिक माहौल आप देख रहे हो, राहुल जी की यात्रा के लिए सारे वेलकम के लिए खड़े हैं। यात्रा तो आज खत्म हो गई ना, एक दिन की छुट्टी है। नहीं, परसों फिर है, 14 तारीख को सुबह 6 बजे वो फिर आएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैनचेस्टर होता अगर लुधियाना में GST और नोटबंदी जैसा चीज़ नहीं आता तो, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जब नोटबंदी ख़राब थी तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार कैसे आ गई तुरंत नोटबंदी के तुरंत बाद? यार वो बहुत बड़ी बातें हैं ना, ना यहाँ कोई इतनी बड़ी बातें हम करते हैं ना सुनते हैं। हमें पता है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हम 14 तारीख के लिए सब तैयारियाँ चल रही हैं, लोग वेलकम कर रहे हैं। और GST और वो तो बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल लोगों को तो समझ में नहीं आएगा GST का क्या। आपके नेता बोल रहे हैं ना, मंच से बोल रहे हैं, लुधियाना के मंच पर बोल रहे हैं, तो आम लोगों के लिए तो बोल रहे हैं ना सर, कार्यकर्ता। कोई बात नहीं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं, बस बात खत्म। कोई तर्क नहीं, होना ही नहीं चाहिए तर्क। सर बात पता क्या है, कोई हमारे घर पे आए ना जब, उसका हर कोई वेलकम करता है कि नहीं? हम दिल से वेलकम कर रहे हैं, जब कोई दिल से किसका प्यार करता है फिर कामयाबी आगे होती है। नहीं, कामयाबी का सवाल लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि 6-8 महीना पहले यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए, प्रयोग के तौर पर आप लोगों ने चरणजीत सिंह चन्नी को लाए, नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बने। लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या कार्यकर्ताओं में मैसेज क्या है, क्योंकि लोग अब ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से स्वीप कर दिया उसके बाद डगर काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी जिम्मेवारी है, तो क्या इस यात्रा का कुछ फ़ायदा मिलेगा 24 में, ये लोग पूछ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से कैसे मुकाबला होगा, अकाली दल अलग लड़ रहा है? सर जो पंजाब की बात करें ना, हम पंजाब का तो ऐसा है कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, जहाँ अब उन्होंने मौका दिया है आम आदमी पार्टी को, जो उनका रिजल्ट होगा वो आपको पंजाब से पता चलेगा कि वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, उसी के आधार पर आगे वोट पड़ेगी ना। ये तो बात नहीं है कि एक बार किसी को वोट डाल दी हर बार उसी को पड़ जाएगी, पहले कांग्रेस को पड़ी थी, अब इस बार नहीं पड़ी, अब आम आदमी पार्टी को पड़ गई, अगली बार की क्या पता किसको पड़ जाए। 15 महीने के बाद चुनाव है, कैसा माहौल पंजाब में? जो अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होगा, हम सोच रहे हैं कि बढ़िया होगा। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पंजाब के लिए बहुत अच्छी खबर है, नया मैसेज है, तो आस करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। प्रधानमंत्री भी आए थे, बोले मुख्यमंत्री को कह देना जिंदा वापस जा रहा है प्रधानमंत्री। वो तो आपको आप पैदल चल के आ रहे हैं, वो जिंदा ही आ रहे हैं, जिंदा ही जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं सर। कार्यकर्ता में लग रहा है कि जो कम्युनिकेशन था दिल्ली और पंजाब के बीच में, जो गैपिंग था, या अलग अलग राज्यों में जो कहते थे, वो देखो जो राहुल जी थे पहले आम लोगों के इतना ज्यादा नजदीक नहीं आते थे, अब की बार सबको मिल रहे हैं, जिसके लिए सबको इस बात का हौसला हो रहा है कि हाँ हमारा नेता हमारे बीच है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही होगा। तो तात्कालिक बदलाव यही है कि कार्यकर्ता और नेता के बीच का जो गैप था वो दूर हो गया, दूर हो गया बस, यही है ना? मैं मैं सही कह रहा हूं, ज्यादा नहीं था वो, कम हो रहा है। आओ खाना खाएं। अरे नहीं नहीं नहीं।